अमीर और गरीब जुड़वा बहनों का बर्थडे। माँ, मुझे ये नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिली है और अगर उन लोगों को मेरा काम पसंद आ गया तो हो सकता है वे लोग मेरी सैलरी भी बढ़ा दे। और वैसे भी चांदनी ने मुझसे वादा किया था वो मेरी नौकरी लगवा कर ही दम लेगी, लेकिन अगर तुम इस तरह से उदास होकर मुझे भेजोगी तो मेरा वहाँ पर काम में मन कैसे लगेगा माँ। अच्छा ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन इससे पहले तो मुझसे एक वादा कर, तू हर रोज मुझे फोन करेगी और अपना ख्याल रखेगी। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी और जब भी काम से फ्री होंगी सबसे पहले आपको ही फोन करूंगी। अच्छा तो यहीं रुक, मैं तेरे लिए थोड़ा सा खाना पैक कर देती हूँ, रास्ते में खा लेना। ठीक है माँ, मैं जब तक अपना सामान पैक कर लेती हूँ। और ये है सिमरन, जो अपनी माँ गंगा के साथ रौनकपुर गांव में रहा करती थी। सिमरन का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसके पिता के देहांत के बाद गंगा दूसरे के घरों में साफ सफाई का काम करके सिमरन का पालन पोषण किया करती थी। अपने गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन समय के साथ साथ गंगा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, जिस वजह से सिमरन अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है और अपना घर चलाने के लिए वो नौकरी ढूंढने लगती है। तभी सिमरन के बचपन की एक सहेली चांदनी मुंबई के एक बड़े से होटल में काम किया करती थी और जब कुछ महीने पहले वो गांव वापस आई तो सिमरन ने उसे अपनी नौकरी का जिक्र किया था, जिसके कुछ महीने बाद ही चांदनी ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी थी। इसीलिए अगले ही दिन सिमरन ट्रेन में बैठकर मुंबई पहुंच जाती है, जहां चांदनी उसे होटल के सारे काम बता देती है और फिर सिमरन भी अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। तभी एक दिन होटल का मैनेजर सबसे कहता है, सुनो सब लोग, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन सीतारमन की बेटी काव्या आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए हमारे इस होटल में आ रही है, इसलिए होटल के सभी स्टाफ को उनका बहुत अच्छे से वेलकम करना है और उनका अच्छे से ख्याल रखना है और उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, हम सब उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तभी चांदनी कहती है, सिमरन तुझे पता है काव्या मैडम ने लंदन से पढ़ाई की है और काफी नखरे वाली भी है, आज जब सुबह उनका फोन आया था तभी मुझे पता चल गया था, बड़ी गुस्से वाली लग रही थी, इसलिए हमें उनके बर्थडे की अच्छे से तैयारी करनी होगी, वरना मैनेजर का तो तुझे पता है ना, बात बात पर गुस्सा होने लगते हैं। कोई बात नहीं चांदनी, हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसी समय गंगा का फोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो माँ? हेलो बेटा, बेटा जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो मेरी बच्ची। शुक्रिया माँ, मैं तो आज अपना जन्मदिन भूल ही गई थी, लेकिन आप हमेशा मेरा जन्मदिन याद रखती हो। आज सिमरन का भी जन्मदिन होता है और जब यह बात स्टाफ के लोगों को पता चलती है तो वो सब सिमरन को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं और कहते हैं, क्या बात है सिमरन, आज तो तुम्हारा भी जन्मदिन है, लेकिन ये किस्मत में क्या चीज होती है ना, जहाँ एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम दूसरे के जन्मदिन की तैयारी में लगी हुई हो, और वहीं वो अमीर शहजादी जो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए इतने बड़े होटल में आ रही है। सच में सब कुछ किस्मत से ही मिलता है। अच्छा तुम लोग ये सब बातें छोड़ो और अपने अपने काम पर लग जाओ, अभी हमें बहुत से काम करने हैं। उसी समय वहाँ पर मैनेजर आता है और वह सिमरन से कहता है, सिमरन तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम गेट पे खड़ी होकर काव्या मैडम का अच्छे से वेलकम करोगी और उन्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दोगी, और हाँ, और एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर हाथ में एक बुक लेकर काव्या मैडम का स्वागत करना है तुम्हें, ठीक है? जी सर। और इस तरह सिमरन को गेट पर खड़े होने की ड्यूटी मिल जाती है, लेकिन सिमरन के पास कोई भी सुंदर सी ड्रेस नहीं होती है, इसलिए वो चांदनी की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और काव्या मैडम के आने का वेट करने लगती है। तभी अचानक से दो आदमी आकर सिमरन का मुंह बंद करके उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं और अचानक से ये सब होता देखकर सिमरन कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी कुछ देर बाद काव्या मैडम भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उन्हें देखते ही स्टाफ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काव्या मैडम बिल्कुल सुनैना की तरह ही दिखती थी। अरे सिमरन,
ये तू अपनी ड्यूटी छोड़कर कार में क्यों बैठी है? तुझे पता है ना, काव्या मैडम कभी भी पहुंचने वाली होगी। एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हारे होटल में गेस्ट का इस तरह से वेलकम करते हैं? बाय द वे, मेरा नाम काव्या है, सिमरन नहीं, समझे? क्या आप काव्या मैडम हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी सहेली सिमरन से मिल रही है। जी मैम, चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही है। उन सब की बातें सुनकर काव्या को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अचानक से एक लड़का आकर सबको सिमरन के किडनैप होने की खबर सुनाता है और उसकी ये बात सुनकर काव्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो फटाफट से अपने माता पिता को फोन करके उसी होटल में बुलवा लेती है और मैनेजर भी गंगा को फोन करके उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद गंगा भी फटाफट से ट्रेन में बैठकर मुंबई पहुंच जाती है। लेकिन उसको देखते ही काव्या की माँ प्रेमलता कहती है, अरे गंगा, तुझे मैं कितने सालों बाद यहाँ देख रही हूँ और तू अचानक से ऐसे काम छोड़कर क्यों चली गई थी? मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिमरन मेरी नहीं बल्कि आपकी बेटी है और काव्या की जुड़वा बहन, क्योंकि उस दिन आपने एक नहीं दो बेटियों को जन्म दिया था और मेरी कोई औलाद न होने की वजह से मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए मैंने आपकी एक बेटी चुरा ली थी और उसे अपने साथ लेकर गाँव आ गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरे ही गुनाहों की सजा मेरी बच्ची को चुकानी पड़ेगी। क्या इसका मतलब सिमरन मेरी बहन है? पिताजी प्लीज आप मेरी बहन सिमरन को बचा लीजिए, उसकी इन सब में कोई गलती नहीं है। मुझे पता है ये किसका काम हो सकता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सिमरन को कुछ भी नहीं होने दूंगा बेटी। इतना कहकर धनी राम फटाफट से पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस उन गुंडों को पकड़ लेती है और सिमरन सही सलामत होटल वापस आ जाती है। लेकिन जब उसे इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही दुख होता है और वो कहती है, माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे मेरे परिवार से इतने सालों तक दूर क्यों रखा माँ? इतना कहकर सिमरन अपनी बहन काव्या के गले लग जाती है। तभी गंगा कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए अब तू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना, मैं तुझे कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं पता आपने उस समय ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि आपने ही तो बचपन से मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ माँ। इतना कहकर सिमरन गंगा के गले लग जाती है और उसके मन में गंगा के लिए इतना प्यार देखकर धनी राम और प्रेमलता गंगा को अपने घर में रहने की इजाजत दे देते हैं और फिर उसके बाद से पूरा परिवार मिलकर काव्या और सिमरन का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और फिर सिमरन अपने असली परिवार के साथ एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। स्वर्गवासी माँ का जादुई साड़ी और लिपस्टिक। दीपक जब 5 साल का था तभी उसके पिताजी उसे छोड़कर चले गए। पति की मृत्यु के बाद देविका ने अकेले ही दीपक का पालन पोषण किया। देविका का पति रामलाल गांव में ही मजदूरी किया करता था और जब वो जिंदा था तब भी उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा कुछ ठीक नहीं थी और आज उनके न होने पर भी देविका को ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ मुझे भी रिमोट वाली कार चाहिए, दीनू के पापा ने उसे कल ही रिमोट वाली कार ला के दी है, मुझे भी चाहिए माँ। ऐसे रोते नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं कल ही बाजार से तेरे लिए रिमोट वाली कार ला दूंगी। अब चल और चलकर खाना खा ले, मैंने तेरे पसंद के खीर बनाई है। दीपक खुशी खुशी खाना खाकर सो जाता है। अरे बहन, इस विधवा को तो देखो, पति था तब तो कभी इसके घर में खाने तक को नहीं था और जब से पति मरा है तब से तो दोनों माँ बेटे के हाथ जैसे मानो कोई खजाना लगा है, तभी तो रोज रोज नई नई चीजें लाकर अपने बेटे को देती है देविका। हाँ बहन, तुमने सही कहा, ये तो कोई काम भी नहीं करती और ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखती है, मुझे तो लगता है ये कोई डायन है, डायन जो अपनी काली शक्तियों से सब कुछ चुटकियों में कर लेती है। अरे अगर ऐसा है तो ऐसी औरत का यहाँ हमारे गांव में रहना ठीक नहीं है, कल को कहीं वो हमारे बच्चों पर ना कोई जादू टोना कर दे, हमें मुखिया जी से इसकी शिकायत करनी चाहिए। उसके बाद गांव वालों के शिकायत करने पर
सभी गांव वाले देविका को डायन बोलकर गांव से निकाल देते हैं। देविका चुपचाप अपना गांव और घर छोड़कर दूसरे गांव में रहने चली जाती है और वहीं पर वह दीपक का पालन पोषण करती है। ऐसे ही कई साल बीत जाता है और दीपक अब बड़ा हो जाता है और एक छोटी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन अब दीपक भी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर हैरान होने लगता है। पूरे दिन मेहनत करने पर कहीं जाकर कुछ पैसे कमा पाता हूँ, वो भी खुद के खर्चे में ही खत्म हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं बच पाता। फिर आखिर मेरी माँ ने मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। मैं जो भी मांगता सब लाकर मुझे दे देती थी। कहीं गांव वाले सही तो नहीं कहते थे कि मेरी माँ एक डायन है और उसके पास कुछ काली शक्ति है। ऐसे ही एक दिन देविका अपने बेटे से कहती है, बेटा जरा ये फोटो देखकर बता, ये लड़की कैसी है? मुझे तो बहुत ही संस्कारी और गुणी लग रही है मेरी होने वाली बहू। तू कहे तो मैं कल ही इससे तेरी शादी की बात चलाऊं। माँ, लड़की तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन माँ शादी में बहुत खर्चे आएंगे ना, और अभी मेरी नई नई नौकरी लगी है, फिर शादी का सारा खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? अरे तुझे लड़की पसंद है, मेरे लिए यही बहुत है, और शादी की चिंता तू मत कर, अभी तेरी ये माँ जिंदा है, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। फिर भी माँ, शादी कोई आम बात थोड़ी है, बहू को गहने भी तो देने होते हैं और कपड़े भी तो देने होते हैं और उसके बाद शादी का सारा खर्चा। माँ, हम ये सब कहाँ से कर पाएंगे? देविका मुस्कुराते हुए वहाँ से वो फोटो लेकर चली जाती है और अपनी माँ की इसी रहस्यमयी मुस्कान के बारे में दीपक हमेशा से जानना चाहता था। वो जब भी अपनी माँ से कोई सवाल करता तो उसकी माँ उसे ऐसे ही मुस्कुराकर टाल दिया करती थी। जी बहन जी, अरे बहन जी, मेरे बेटे को तो आपकी बेटी एक ही नजर में पसंद आ गई। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, हम कल ही अपने बेटे के साथ आपके घर आते हैं रिश्ता पक्का करने। ठीक है, नमस्ते बहन जी। उसके बाद देविका दीपक को लेकर लड़की वाले के घर पहुँचती है। लाखों में एक है मेरा बेटा, और आज तक मैंने और मेरे पति ने जो भी कुछ कमाया है अब से वो सब हमारी होने वाली बहू का ही तो है। मैंने तो शुरू से ही अपनी बहू के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। सब लोग रूपा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि रूपा बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी और उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। सभी को एक ही नजर में रूपा पसंद आ जाती है और दीपक को भी। इधर रूपा के घर वाले दीपक और उसकी माँ को देखकर आपस में बातें बनाने लगते हैं। अरे ये हम कैसे घर में रिश्ता करने जा रहे हैं अपनी रूपा का? ये लोग तो खाली हाथ ही मुंह उठाकर लड़की देखने चले आए, लेकिन इस बुढ़िया के हाथ में जो थैला है उसमें भला क्या है? तभी देविका कहती है, ये मेरा बेटा दीपक है, एक कंपनी में जॉब करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है, और हाँ मैं अपनी होने वाली बहू के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन जो भी लाई हूँ वो आप लोग और मेरी बहू को पसंद आएगा। देविका के इतना बोलते ही सबकी आंखें चमक उठती है और सभी आश्चर्य से देविका की तरफ देखने लगते हैं। देविका अपने थैले में से एक गहने का डब्बा निकालती है और उसे खोलकर सबके सामने रखती है। वह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें भारी भरकम सोने का हार और कानों के झुमके और कंगन थे। उसके बाद देविका ने थैले में से 21,000 रुपए निकाले और अपनी बहू को दिए। मेरी बेटी, आज से तू हमारे घर की लक्ष्मी है। मुझे माफ करना बेटी, नया जमाना है, नई नई तरह की चीजें हैं। अब मुझ बुढ़िया को इन सब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, इसलिए मैं तेरे लिए कोई कपड़े लेकर नहीं आई। तू इन पैसों से अपनी पसंद का लहंगा ले लेना। ये सुनकर तो सभी का चेहरा खिल उठता है। अभी तक जो लड़की वाले देविका को भिखारी समझ रहे थे वो तो बहुत अमीर घराने से निकली। लड़की वाले को भी दीपक पसंद आ जाता है और फिर दोनों की शादी की बात पक्की हो जाती है। दीपक तो हैरानी से अपनी माँ को देखे जा रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था
कि उसकी माँ ने आज तक उसे कहाँ छुपाकर इतने सारे गहने और इतने सारे पैसे रखे थे। कुछ ही दिनों में दीपक और रूपा की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। रूपा को बहू के रूप में पाकर देविका बहुत खुश होती है। ऐसे ही बहुत ही अच्छे से उन लोगों का दिन गुजर रहा था, तभी एक बार देविका काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है और अपनी बहू को अपने पास बुलाती है। बहू, मुझे लग रहा है कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी दीपक जी को कॉल करके बुलाती हूँ। हम आपको अभी डॉको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं बहू, मेरा बुलावा आ चुका है। बेटी, मैं मरने से पहले तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। बहू, वो मेरा संदूक देख रही हो ना? हाँ माँ जी, क्या है उस संदूक में? माँ जी बोलिए, बोलिए ना माँ जी। देविका अपनी बात अधूरी छोड़कर दुनिया से चली जाती है। उसके बाद रूपा फूट फूट कर रोने लगती है और दीपक के आने के बाद सभी मिलकर उसका दाह संस्कार कर देते हैं और कुछ समय ऐसे ही उन लोगों का दुख में ही बीतता है। तभी दीपक के कंपनी से कॉल आता है कि उसकी नौकरी छूट गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले तो माँ जी हमें छोड़कर चली गई और अब इनकी जॉब भी चली गई। तुम चिंता मत करो रूपा, मैं कहीं ना कहीं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाता है और दीपक को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। सुनिए जी, घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि माँ जी ने मुझे जो गहने दिए थे, हम उसी को बेचकर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, भला नौकरी के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो गहने मेरी माँ की निशानी है, हम उसे नहीं बेचेंगे। हम उन गहनों को अपने होने वाले बच्चों के लिए संभाल कर रखेंगे। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाता है, तभी रूपा को अपनी सास की बात याद आती है और वो डरते डरते संदूक खोलती है और देखती है कि उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर साड़ी और लिपस्टिक रखा हुआ है। इतना सुंदर साड़ी और ये लिपस्टिक? अरे, अगर माँ जी ने मेरे लिए इतना सुंदर साड़ी और लिपस्टिक खरीदी थी तो उन्होंने मुझे ये सब दिया क्यों नहीं? मैं इसे जल्दी से बाहर निकाल कर रख लेती हूँ, दीपक जी आएंगे तो मैं उन्हें पहन कर दिखाऊंगी। अरे ये लिपस्टिक, इस लिपस्टिक का सेट तो बहुत ही अच्छा है, मैं इसे लगा कर देखती हूँ। रूपा उस लिपस्टिक को लगा लेती है, तभी उधर से दीपक भी आ जाता है। रूपा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे माफ करना रूपा, मुझे आज भी कहीं जॉब नहीं मिला। पता नहीं जी, माँ जी के जाते ही हमारे खुशियों को किसकी नजर लग गई। काश हमारे घर में कुछ दिन का राशन और होता, जिससे कुछ दिन और हमारा गुजारा हो पाता। रूपा के मुंह से इतना निकलते ही उसके घर में अपने आप ही राशन की कुछ बोरियां आ जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक से राशन की बोरी कहाँ से आ गई? और ये क्या, तुमने अपने ओठों पे इतनी लिपस्टिक क्यों लगा रखी है? वो तो मैं जल्दबाजी में आपको बताना ही भूल गई। ये देखो, माँ जी के बक्से से मुझे क्या मिला है, ये खूबसूरत सी साड़ी और लिपस्टिक। मैं अभी आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ। यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और तुम्हें भी मेरी माँ की तरह ही मेरी कोई फिक्र नहीं है। तुम अपना अलग ही सजने धजने में लगी हो। काश माँ जी की तरह मेरे पास भी कोई जादुई शक्ति होती, जिससे मेरे पास भी काफी सारे पैसे आ जाते, फिर तो आप मुझे कुछ नहीं बोलते ना। रूपा के दोबारा ऐसा बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। दीपक जी, ये क्या, पहले मेरे बोलते ही अचानक से राशन आ गया और अब ये पैसे भी। रूपा, कहीं ऐसा तो नहीं माँ की ये जादुई साड़ी और लिपस्टिक जादुई हो? हाँ, हो सकता है, क्योंकि माँ जी मुझे इसके बारे में कुछ बताना चाहती थी, शायद यही कहना चाह रही होगी। उसके बाद रूपा फिर से बोलती है, हे जादुई लिपस्टिक, हमें 10 लाख रुपए दे दो। रूपा के फिर से ऐसा बोलने पर वहाँ पर कोई पैसे नहीं आते। अरे ये पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो अब इस साड़ी को पहनकर देखती हूँ, शायद साड़ी से पैसे आ जाए। उसके बाद रूपा उस साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दो
और हमें अमीर बना दो। तभी जादुई साड़ी से पैसों की बारिश होने लगती है और जादुई साड़ी दीपक और रूपा को खूब सारे पैसे देकर अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, ये साड़ी अपने आप कहाँ गायब हो गई? तभी एक आवाज आती है, रूपा और दीपक ये साड़ी और लिपस्टिक साधारण नहीं बल्कि जादुई है और ये सब देविका को सुमोना नाम की जादूगरनी ने दिया था, क्योंकि तुम्हारे पिता की जान सुमोना जादूगरनी की मदद करते हुए ही गई थी, इसलिए तुम्हारी माँ देविका को अपना घर चलाने और बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए सुनोमा जादूगरनी ने उन्हें जादुई साड़ी और लिपस्टिक दिया था और आज तुम लोगों के पास इतना धन आ गया है जिससे तुम दोनों अपनी पूरी जिंदगी ऐसो आराम से बिता सकती हो, इसलिए ये साड़ी और लिपस्टिक जहाँ से आया था ये वहीं पर वापस चला गया। उसके बाद रूपा और दीपक उन सारे पैसों से अपना खुद का बिजनेस करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और आज उन दोनों को अपनी माँ का जादुई होने का राज भी पता चल जाता है।